हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबाइव त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, बॉडी फ्लूड इन सर्कुलेशन। और आज का टॉपिक होगा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड, रुधिर में पाए जाने वाले संगठित तत्वों की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की प्लाज्मा की। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज एन टाइप ऑफ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में आपको बताया था मैंने कि प्लाज्मा या मैट्रिक्स, सेल और तीसरी बात फाइबर। तो फाइबर इसमें होते नहीं है। प्लाज्मा की हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो अब यहां पर हम बात करेंगे ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स की। तो जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं, इनका मतलब है ब्लड सेल्स। पूरे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स हैं। पहली एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, दूसरी होती है ल्यूकोसाइट या WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। ये आपको बताया गया। अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं किसकी। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की। तो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर सबसे पहले किसकी, एरिथ्रोसाइट सेल्स की, मींस आरबीसी की। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलोगे तो जल्दी याद होता है, और नीट में जो क्वेश्चन आता है उसका डायरेक्ट आपको ऑप्शन पता होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पर। पहला क्वेश्चन, इसको कितने नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी, और कभी कभी इसे जनरल लैंग्वेज में हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, इसका ओरिजिनल नाम जो है, ये ओरिजिनल नाम बेटा इसका होता है एरिथ्रोसाइट सेल्स। इतनी बात क्लियर करी। अब देखिए, मोस्ट एबुंडेंट ऑफ ऑल सेल्स, इसका मतलब यह है कि ब्लड में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई सेल पाई जाती है तो वो आरबीसी है। इसकी संख्या पर अगर बात पूछी जाए तो करीब करीब 5 मिलियंस to 5.5 मिलियन नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंस इन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। 1 mm ऊंचा, 1 mm चौड़ा, 1 mm लंबा, यह बन गया आपका एमएम क्यूब। तो 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक हो सकती है। अब बेटा, अगर इनके शेप की बात की जाए तो जनरली जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनी होते हैं, उनमें इनकी संख्या उभया अवतल या बाई कॉनकेव होती है। क्यों होती है, अभी बताता हूं मैं आपको क्यों होती है। इसके पहले एक बात समझें यहां छोटी सी, कि स्तनियों में 2 ऐसे एनिमल हैं जो यहां पर अपवाद है। पहला ऊंट, कैमल, दूसरा लामा। ये दोनों ही ऊंट फैमिली के ही स्तनी हैं, और इनमें अंडाकार बाइकांकीय बनी स्तनी होने के बाद भी इनमें अंडाकार या ओवल आरबीसी पाई जाती है। अब बात आती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
ऑक्सीजन। केंद्रक के अनुपस्थित होने से ऑक्सीजन के परिवहन से क्या संबंध है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। जनरली जब एरिथ्रोसाइट सेल्स बनती है तो ये अलग अलग जगह बनती है, लीवर में बनती है, एम्ब्रियो शेप में बनती है, स्प्लीन में बनती है, बोन मैरो में बनती है, लाइफ स्पैन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह ये बनती है, आगे बात करेंगे। तो इनिशियली इसको जो शेप होता है वो इस तरीके से गोलाकार होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। अभी इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोब्लास्ट सेल। जब ये बनती है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, बाद में फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अपो टू न्यूक्लियस इनका अब्सेंट हो जाता है। रीजन क्या है जरा देखिए और कैसे अब्सेंट होता है। जब ये सेल मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरेशन के बाद अब इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेल्स, एरिथ्रोसाइट, या अब इनको हम आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिका। मतलब क्या हुआ इसका कि अब ये नॉन लिविंग हो गई। ये कब ऐसा हुआ? जब इनका न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, इनका केंद्रक अपने आप क्या होता है, नष्ट हो जाता है और अब ये आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स क्या हो जाती है, डेड सेल है। सीड एलिमेंट्स जैसे प्लांट में थी, ऐसे ही एनिमल्स में भी जो आरबीसी है वो डेड होने के बाद ही वर्किंग करती है। और जैसे ही इनका न्यूक्लियस गायब हुआ, इनके न्यूक्लियस के गायब होते ही ये पिचक गई। अब बेटा ये पिचक गई तो ये कैसी हो गई, अब आपको दिख ही नहीं कैसी हो गई, ये कैसी हो गई, अब ये हो गई बाई कानकेव यानी उभया अवतल हो गई। इसीलिए लाल रुधिर कणिका कहना ज्यादा उपयुक्त होगा तुलना में लाल रक्त कोशिका के। लाल रक्त कोशिका के बजाय लाल रक्त कणिका कहना अत्यधिक उपयुक्त माना जाएगा यहां पर, चूंकि ये डेड सेल है। अब बेटा क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है स्ट्रोमेटिन, वो इसके अंदर इस तरीके से यहां पर कॉलम्स बना लेती है, नेटवर्किंग बनाती है, प्रोटीन का नेटवर्क बन जाता है बेटा यहां पर। और इस प्रोटीन नेटवर्क के अंदर एक विशेष प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यहां पर इस तरीके से उसके मॉलिक्यूल आकर के सेट हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बेटा हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। सुना ना कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कहां होता है हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन यहां पर प्रेजेंस होता है। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इसी के प्रेजेंस के कारण ये लाल रंग की होती है। और हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसलिए यहां पर ये छोटी सी बात लिखी एनसीईआरटी ने कि इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है क्योंकि इनके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। एनसीईआरटी की उस लाइन को एक्सप्लेन किया गया, आगे हमने नहीं बढ़ा है, जो एनसीईआरटी ने लिखा उसी को एक्सप्लेन किया गया यहां पर। अब देखिए ये जो बात कर रहे थे हम लोग हीमोग्लोबिन की, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। कई बार ब्लड रिपोर्ट आती है तो गांव के लोग बोलते हैं कि 3 पॉइंट खून रह गया, 7 पॉइंट खून रह गया। ये पॉइंट नहीं होता यार, इसका मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड पर 100 ml ऑफ ब्लड, हमारे 100 ml ब्लड में HB की मात्रा पॉइंट नहीं होता है। तो कितनी होती है भाई HB की मात्रा, एक नॉर्मल पर्सन में इसकी मात्रा 12 से बेटा 16 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। कितनी? 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर 12 से नीचे चला जाता है, ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर इसकी मात्रा लेस देन 12 हो जाए, इफ डिफिशियंसी हो जाए, इफ लेस देन 12 मिलीग्राम पर 100 ml से नीचे चला जाए तो इस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, रक्त अल्पता या एनीमिया। अब ये एनीमिया दो तरह से हो सकती, एक होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्या बताया मैंने, यफी डिफिशियंसी एनीमिया, और दूसरी होती है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब दोनों में अंतर क्या है, फिर अपन इधर आते हैं। देखो अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो एचबी जो होता है कंजुगेटेड प्रोटीन है, ये हीम और ग्लोबुलिन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। हीम जो होता है ये इसका आयरन पार्ट है और ग्लोबुलिन जो है इसका प्रोटीनिक पार्ट है, ये इसका प्रोटीनिक पार्ट है बेटा। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तब भी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी या एफी डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा जो होता है परनीशियस एनीमिया बेटा, ये जो होता है ये विटामिन बी12 की कमी से होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12। अब इसका क्या रोल है, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन बी12 की नीड होती है या उसके लिए नेसेसरी होता है। तो अगर भोजन में विटामिन बी12 की कमी हो जाएगी तो भी आरबीसी का मैच्योरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अब इसे हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। तो बेटा इस प्रकार से हमने समझा आरबीसी का स्ट्रक्चर और एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोसाइट और आरबीसी का अंतर। अब देखो एक बात आती है कि सर ये हमारी बॉडी में बनते कहां है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट की अगर बात करोगे, मैंने क्या कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, नीट के अलावा भी जो एग्जाम होते हैं वहां से भी पूछा जाता है। देखो ये हमारी बॉडी में कई जगह पे बनती है, कई जगह पे बनती है, जैसे सबसे पहले ये बनती है योक सैक में। अब आप सोचोगे ये क्या है बेटा, जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो एक झिल्ली में बंद होता है और उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं फेटल मेम्ब्रेन, भ्रूणी झिल्लियां। तो एक प्रकार का एम्ब्रियो सैक जो है वो भ्रूणी झिल्ली है। तो फेटल लाइफ में ड्यूरिंग फेटल लाइफ, यानी अभी बच्चा बनना स्टार्ट हुआ है, कितना 3 वीक, 3 सप्ताह तक जो ब्लड का निर्माण है यानी आरबीसी का फॉर्मेशन है वो योक सैक में होता है। अब इसके बाद 2 से 3 मंथ बाद, अभी पैदा नहीं हुआ, लीवर और स्प्लीन, यकृत और प्लीहा, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 से 3 मंथ का जब एम्ब्रियो हो जाता है, 2 to 3 एम्ब्रायोनिक लाइफ। अब इसके बाद पैदा हो गया जब, तो कहां बनता है, लॉन्ग बोन मैरो, कहां बन रहा है, लॉन्ग बोन मैरो।
हमारे शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि रिब्स, पसलियां, फीमर, ह्यूमरस, ये वाली हड्डी, तो जितनी भी लंबी अस्थियां हैं, स्टर्नम, पेल्विस, पेल्विस बोन, ऐसी सभी जगह पर ये बनता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग एडल्ट कंडीशन, एडल्ट कंडीशन, पैदा होने के बाद से लेकर के और मृत्यु तक, जब तक ये बनेगी तब। अब यदि बात यहां पर एक और आ रही है जो बहुत बार पूछी गई, नीट में भी पूछी गई और मेडिकल के जो और भी एग्जाम होते हैं, जैसे नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, एक बार बनने के बाद आरबीसी हमारे शरीर में कितने दिन तक रहती है, लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज, 120 दिन तक, यानी 4 महीने तक, 4 मंथ अप्रोक्स। फिर इसके बाद सर कहां चली जाती है? इसके बाद बच्चों चली जाती है ये कहां पर? स्प्लीन में। कहां चली जाती है? प्लीहा में। और वहां क्या होता है? डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट कर दिया जाता है। कहां पे नष्ट किया जाता है? इसको प्लीहा में। और इसीलिए स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवियर ऑफ आरबीसी। ग्रेवियर क्या है? कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? कब्रिस्तान। अब मैं लिख नहीं पा रहा हिंदी में, सुन के काम चलो। क्या बोलेंगे इसको? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में WBC के साथ, प्लेटलेट्स के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। बाय बाय।